अभिषेक पाठक, क्या उत्तर प्रदेश सरकार में महंगाई बढ़ी? नहीं कुछ नहीं बढ़ी, कहीं बताओ। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। चालान क्यों कटवाए? चालान मेरे भी कटे दो। चिप्स ले लो 5 रुपए, उस पर भी इनकम टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? अभी किसी से पूछोगे तो कहोगे हम टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। बीसलपुर विधानसभा के 12 पत्थर चौराहे पर, और यहाँ पर हम सीधे तौर पर जनता का मन टटोलेंगे, जनता से बात करेंगे और जानेंगे 2022 को लेकर क्या है सियासी माहौल। मैं हूँ आपके साथ आशुतोष मिश्रा। जानी जाएंगी क्या है समस्याएं और किन मुद्दों पर करेगी 2022 में जनता वोट। क्या नाम है आपका भैया? नाम हरनाम सिंह है हमारा। महंगाई की यदि बात की जाए तो 2022 के चुनाव में महंगाई का मुद्दा क्या असर डालेगा? महंगाई का मुद्दा असर जरूर डालेगा सर, महंगाई तो बहुत हो रही है। किन किन चीजों में महंगाई? हर चीज महंगी हो गई, हर चीज दुगने में हो गई है। कैसे? हर चीज दुगने में हो गई है। कैसे? कौन कौन सी? दाल है, चीनी है, ये सभी रेट, सभी चीजों पे रेट बढ़े हुए हैं। आप बताएं आप क्या कहेंगे महंगाई पर? महंगाई हुई नहीं हुई? हाँ महंगाई भाई है, हाँ महंगाई भाई, महंगाई बढ़ी है। हाँ किन किन चीजों पर महंगाई बढ़ी है? महंगाई डीजल पर, पेट्रोल पर, सब पे बढ़ी है। क्या 2022 में ये मुद्दा असर डालेगा? क्यों ना डालेगा। हाँ अच्छा बात की जाए दूसरे नंबर पर, महंगाई को छोड़ दो तो हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति चल रही है, ये 2022 में क्या फर्क डाल सकते हैं? 2022 में कोई फर्क ना जाए, महंगाई ज्यादा आएगी और क्या फर्क है। अच्छा बेरोजगारी? बेरोजगारी जो है मिलते ही मिलते ही मिलते है, रोजगार मिलता है। अच्छा किसान सम्मान निधि से कोई फर्क पड़ रहा है इस बार? किसान सम्मान निधि से क्या फर्क पड़ रहा है? घास घूरा खाए जा देंगे और क्या बैल खाए जा देंगे। हाँ क्या नाम है आपका? बाघेलाल। कहाँ रहते थे? लोहित भाई। क्या नाम है? अरे तुम ये बताओ महंगाई कोई असर डालेगी 2022 में? बहुत महंगाई डालेगी जी। महंगाई बढ़ी है? बहुत बढ़ी है महंगाई, पेट्रोल पे रेट बढ़े, डीजल पे रेट बढ़े, उससे आम पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा जैसे क्या, किस तरह से नुकसान हुआ है? क्योंकि ये जो भी चीज़ खरीदेंगे उस पर पेट्रोल डीजल से फर्क पड़ता है, उसी से महंगाई बढ़ती है। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो सपा की सरकार भी आपने देखी, बसपा की भी देखी और भाजपा की भी देखी, तीनों में कानून व्यवस्था कब बेहतर रही, किसकी शासनकाल? सबसे अच्छी बीएसपी की रही है, सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था। अच्छा हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है देखें तो आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कितना फर्क डालेगी? नहीं नहीं उससे नहीं, जो जिसका जो है वो बही जाएगा। क्या मुद्दे हैं बीसलपुर विधानसभा के? सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने कुछ दिया ही नहीं है, कोई या मंत्री रहे हो या रामसर वर्मा रहे हो, कोई खास काम नहीं किया किसी ने। मतलब बेरोजगारी बीसलपुर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अभिया रहती। तो नाम क्या है? पुन्नराम। उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ी है या नहीं इस बार? महंगाई तो काफी है भाई साहब, बिल्कुल है। किन किन किस किस चीजों पर महंगाई बढ़ी? जैसे खाद्य पदार्थ ले लो आप, उसके अलावा साग सब्जी ले लो, हर चीज में महंगाई महंगाई है, फायदा किसी में ना। अच्छा आवारा पशुओं की बात की जाए तो मतलब आवारा पशु तो ये है भाई, कोई खेत में जा रहे हैं, कोई जंगल में चल रहे हैं, किसी को कोई फुर्सती ना, किसी को फसल को नाश हो रहा है तो किसी की खेती खराब हो रही है। आप क्या करते हैं वैसे? हम बेकरी काम जी, बेकरी भी नौकरी, बेकरी काम करते हैं। अच्छा रोजगार की बात करें तो रोजगार की क्या स्थिति है इस बार? इस टाइम रोजगार की स्थिति नाजुक है। कैसे आपको कैसे लगता है जी? कैसे लग रहा है आपको रोजगार नाजुक है? नाजुक है मतलब यही पेट्रोल डीजल की वजह से हर चीज महंगी है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय 2022 का चुनाव आ चुका है, इस बार क्या मुद्दे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के? सर मुद्दे तो बहुत हैं, इन्होंने कोई भी मुद्दा पूरा किया हो वो बताइए, इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, कोई भी एक भी वादा हो वो आप हमें बताइए। राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से क्या पेट भर जाएगा ये बताइए आप? अगर राम मंदिर बना दिया उस ट्रस्ट में कितने ओबीसी हैं, एससी कितने हैं ये बताइए आप? जिस नाम से ट्रस्ट चल रहा है, ये ट्रस्ट बनाया गया है, इसके पैसे लगाए गए हैं, वो बाबा आया 1600 करोड़ रुपए तो वो खा गया चंदे के, ऐसे ही राम मंदिर से क्या पेट पल जाएगा या मंदिर मस्जिद बनाने से कुछ हो जाएगा आप बताइए? कुछ नहीं होगा सर, ये बच्चों में कल देख रहे हैं आप, परसों वाले दिन इलाहाबाद में कितनी लाठी बरसी हैं, हॉस्टल पूरा तोड़ के गेट तोड़ के मारी गई, बहुत ही भ्रष्ट सरकार, इसके बारे में कुछ कही नहीं सकता मैं। आए दिन बच्चों को जो छात्र पढ़ रहे हैं, 4-4 साल हो गए किसी का रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा है, अगर उन्हें एग्जाम दिया तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, और भर्ती पहली बात तो भर्ती नहीं निकल रही, भर्ती निकल रही है तो उनका रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा है, क्या मुद्दा है ये? आखिर ये सिद्ध करना क्या चाह रहे हैं?
अच्छा कानून व्यवस्था की बात की जाए तो बसपा में अच्छी थी, सपा में या भाजपा में? सर कानून व्यवस्था तो सबसे बढ़िया तो मायावती जी के जमाने में रही, अखिलेश जी भी इतना नहीं कर पाए लेकिन कुछ हद तक उन्हें भी सही करा। लेकिन कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, कल ही मर्डर हुआ है गाजीपुर कुंडा के पास में, कल ही मर्डर हुआ। अगर ये कानून व्यवस्था इनकी बढ़िया है तो मर्डर कहाँ से हो रहे हैं? ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो ये मर्डर क्यों हो रहे हैं? वो भी भर्ती है, भर्ती है, लेकिन सर वो मर्डर तो हुआ है, उसका फायर तो मारा है, भर्ती है तो क्या बच गया उसका नसीब है? अभी क्या आप देख आए कि वो बची जाएगा? तो ये कानून व्यवस्था जब खराब है तभी तो ये चल रहा है। अच्छा बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो बीसलपुर के क्या मुद्दे हैं? बीसलपुर के मुद्दे सर, विधायक माननीय विधायक जी से पूछिए आप, कितने इन्हें क्रिकेट स्टेडियम बनवाए, कितने वॉलीबॉल स्टेडियम बनवाए, कोई भी इन्होंने कुछ भी बेरोजगार लोगों को या कोई भी खिलाड़ी की उत्पत्ति के कुछ किया हो तो बताइए आप, कोई भी मुद्दा हो इनका। सड़कों की बात करें तो सड़कों के हम पहले भी सजाते हैं सर, देखिए आप गड्ढे, मदर्स पब्लिक स्कूल के सामने दो बार तो उनमें लेवल लग चुका है, एक महीना नहीं रुकता है, छूट जाता गड्ढे वही है, आए दिन साले बिजार रखाओ, सुबह से काम करो शाम को बिजार रखाओ, नहीं दिन में जाओ। अच्छा आवारा पशु 2022 में असर डालेंगे? बहुत बड़ा असर डालेंगे सर, इन्होंने गौशाला एक भी बताया है, आप गौशाला का बजट पास हो गया है, पैसे निकल गए, कहीं भी गौशाला आपने देखी? आप तो भ्रमण करते रहते हो। अरे सर वो टम्परेजी हैं, बांस वगैरह लगा रखे हैं, कहीं कुछ है? करोड़ों से वहाँ बजट पास हो रहा है गौशाला का, कहीं भी हो बताइए आप। तो ये बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा चरम पे पहुंच गई है सर, और महंगाई, महंगाई की तो बात ही नहीं, छोड़िए आप, 200 रुपए लीटर प्लस 87 रुपए लीटर डीजल हो गया, पेट्रोल की आप देखिए, अभी तक आप 2017 के सर्वे उठा के देख लें 50 से 55 रुपए लीटर था डीजल, तो ये कहाँ जा रहा है सर? गल्ला तो फ्री मिल रहा है, गल्ला फ्री फ्री, अरे गल्ला और लैटरिन का ही तो विकास समझ रहे हैं, और विकास है क्या? विकास है उसको कोई मालूम है किसी को विकास क्या है? क्या है आप बताओ विकास? अरे सर विकास ये रोड है, युवा जो मतलब खिलाड़ी जो जागरूक होना चाह रहे हैं कि हमें फुटबॉल बनना चाहिए, उनको स्टेडियम बनना चाहिए, क्रिकेट बनना, क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहिए, ये विकास है, ये मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं कि वो लैटरिन बन गई 5 किलो गल्ला मिल गया, ये विकास है, वो तो विकास वो समझ रहे हैं जी। बताइए सर ये जो वाहन चल रहे हैं ऑटो मैजिक, इनको आए दिन पुलिस वाले टॉर्चर करते रहते हैं, इनके लिए कोई सुविधा की वो माननीय विधायक जी ने? बताइए आप क्या नाम है? हरनाम सिंह। क्या बता रहे थे? अभी कहीं ऑटो ऑटो और मैजिक के लिए कहीं भी हमारे लिए कुछ व्यवस्था की जाती, हमारे माननीय विधायक जी बनवाते कहीं पे कुछ कुछ भी तो नहीं बनवाया हमारे लिए, रोडवेज हड्डा वो वहाँ ले जाके जंगल में रख दिया, वहाँ कौन पैसेंजर जाएगा लुटने खुदने के लिए? अब 2000 रुपए मिलने को उससे क्या होगा? 2000 रुपए हम दे देंगे उनको वापिस, क्या दिक्कत है? 2000 से हमारा खर्चा थोड़ी चल रहा है, या उससे पूरा हो जाए खर्चा? इतनी महंगाई है क्या मिलेगा बच्चों का? स्कूल सारे बंद कर रखे हैं, कोरोना कोरोना कहाँ है? कोरोना बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हम रात दिन भर मजदूरी करने के बाद स्कूल की फीस भी भरते हैं, हमारे बच्चे भी क्या है कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, क्या होगा इससे? हमारा भविष्य तबाह हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे का भविष्य तबाह हो रहा है, हमारा भी तबाह हो गया, बच्चों का भी तबाह हो रहा है, तो इससे क्या होगा? 2000 मिलता रहे? नहीं नहीं 2000 से क्या होगा, 2000 हम वापिस दे दें कह तो रहे हैं भाई। कहाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद भाई महंगाई कितना असर डालेगी? महंगाई बहुत ही ज्यादा असर डाली है, पहली बात तो हमारे जो युवा साथी हैं ना वो इतना बेरोजगार हो चुके हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा हालत खराब है युवा लोगों की, ठीक है, बहुत ही परेशान है बेरोजगारी से, और कोई भी सरकार युवा के लिए नहीं सोच रही है कि मतलब युवा घूम रहा है बेरोजगार बनकर। अच्छा रोजगार नहीं मिला भैया? सर फिलहाल मेरे ख्याल से रोजगार तो नहीं मिला है बिल्कुल भी, काफ़ी ढंग से प्रयास कर रहे हैं, और अभी अभी मैं ये मतलब वहाँ बहुत चल रहा था, अभी धरना वरना ये चल रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ जी हाँ मेरे ख्याल से ये मतलब मेरे ख्याल से पहले नहीं होना चाहिए फिलहाल, ये है फिलहाल, लेकिन मेरे ख्याल से ये सरकार जहाँ तक की नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सर अमित गंगवार। अमित गंगवार जी जी जी। अच्छा इस बार बीसलपुर के क्या मुद्दे हैं? सर बीसल मुद्दे सर बहुत सारे हैं, ये तो सड़क को लेके मुद्दे हैं पहली बात, तो दूसरी बात सर ये जैसे कि मतलब जो बेरोजगारी है, और सर जब भी अब बस स्टैंड भी नहीं है, स्टैंड वहाँ बनाया गया है, लेकिन मतलब रोडवेज जब यहाँ से निकलती हैं बारापत्ता से निकलती हैं रोडवेज, तो ये स्टैंड होना चाहिए बाहर होना चाहिए ना, जैसे आप जो पैसेंजर जो आए वहाँ से बैठे और बैठ के वहाँ निकल चले जाएँ, वहाँ से आपने वहाँ बना रखा है, वहाँ से कोई औचित्य है नहीं वहाँ मतलब वहाँ का। सर ये है बस भाई, आप सर आपको जानकारी भाजपा से सपा जो सपा ही बिल्कुल 100% हिंदू हो सीना चौड़ा करके चल रहे हो भाजपा में, तो कौन? अरे गंगवा साहब है सपा ही पक्का, जो 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 मतलब जो जो सही करेगा उसके लिए है सब समर्थन है हम लोग, भाई किसी के लिए नहीं है।
चाचा पहुंचा बस पहुंचा जो कोई भी हो, मतलब जो सच सही है उसके साथ। हाँ बस जो जो सही वो सही है, जो गलत वो गलत है। ओके थैंक यू। क्या नाम है? भगवान दास। क्या कहेंगे आप? हम कहा कहेंगे, हम कुछ ना कहेंगे, हम तो रोज अपने पैदा करनो खानो बस और का, कोई सा क्या काम करते हैं? ऑटो चलाओ। ऑटो चलाओ। महंगाई तो नहीं बढ़ी इस बार? महंगाई तो हमेशा बढ़ता ही चली जाएगी, बढ़ ही बढ़ रही है हर सरकार, कोई सरकार अब बढ़ बढ़नी। सबसे अच्छी कानून व्यवस्था किसकी सरकार में रही, बसपा सपा या भाजपा? बसपा में शक्ति ज्यादा रही, बढ़िया जामत गुंडा राज खत्म हो गए, जाने कितन के बुलडोजर चलाए थे। हाँ है तो सही है। कौन सा सरकार बढ़िया? सरकार तो अपने हिसाब से कोई भी हो सब अपने हिसाब से सही करते हैं। ऑटो आप कब से चला रहे हैं? 2005 से। 2005 तो तीनों सरकारें देख ली आपने, कौन सा सरकार आपके लिए ऑटो चलाने आराम रही? हमारे लिए तो कान मतलब अब दिक्कत ज्यादा हो रही है कान, मतलब भाई साहब से दिक्कत क्या हो रही है? 10 रुपया पैदा कर लेंगे और 3000 चालान कट जाएगा। हाँ दिक्कत क्या हो रही है? पैसे गाड़ी जमा कर देंगे, चलावेंगे ना गाड़ी। तो मतलब जब तक चालान कट जाता है क्या? हाँ तो 3500 चालान कटो वो है। अरे हाँ अब 10 रुपया पैदा कर टेम्पू जी और जो है 3500 कहाँ से लाएंगे? इसलिए टेम्पू जमा कर देंगे, कहीं टेम्पू ले जाओ बस। पर सवारी कैसे चलेंगे? ना ट्रेन है ना हम ना चले, चलेगी ना चले, हम कोई अपने घर से कोई भरेंगे। क्या नाम है? हेलो। क्या नाम है आपका? रमनपाल सिंह। महंगाई बढ़ी नहीं? महंगाई तो बढ़ती रही, कमल तो नहीं। अच्छा 2022 में क्या ये महंगाई का मुद्दा फर्क डालेगा? आवारा पशु क्या करेंगे? आवारा पशु कोई सरकार थोड़ी छोड़ते, वो तो हम तुम थोड़े वाले है ना, मतलब इससे कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है। हाँ फर्क जे है, मान लो जानवर चारा खा रहे फसल उगाड़ रहे हैं। अच्छा 2022 का चुनाव अब नजदीक आ गया है, क्या जनता आवारा पशुओं को देखते हुए वोट करेगी? पक्का वोट तो देगी। वोट तो देगी, वोट भाजपा को ही देगी, देगी भाजपा। आप बताओ भाजपा को ही देगी? भाजपा भाजपा पक्का पक्का। और लोग बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ेगी नहीं यार, मजूरी नहीं बढ़ रही है। ये 100 रुपए मजूरी थी, आज 300 रुपए मजूरी हो गई, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? 100 रुपया मजूरी थी, 300 रुपए मजूरी है, उसमें मिलता रहा मजूर 300 रुपया ना मिल, तो भैया महंगाई बड़े काबू रो है, महंगाई तो बढ़ेगी। सही बात। अंडा 2 रुपया 3 रुपया बिक रो तो आज 7 रुपया बिक रो काबू रो है। क्या नाम है आपका? रामकिशोर पाठक। अरे पंडित और ब्राह्मण आदमी बता, भाजपा में बहुत मरवाए थे ब्राह्मण? अरे ब्राह्मण मरवाए थे तो सारे भ्रष्टाचारी ब्राह्मण मरेंगे ना क्या हुई उनको? अच्छा वो तो मानना है, उन्हें मरना है, अपने आप मरे हमारे जाए। अच्छा भ्रष्टाचारी चोर उन्हीं को दिक्कत है भाजपा, बाकी जितने अच्छे लोग उन्हें कितों दिक्कत है भाजपा? ईमानदार आदमी क्यों ही दिक्कत ना है? ईमानदार या दुकानदार या सब्जी वाला या ठेला वाला किसी दिक्कत नहीं। ये तो ऑटो वाले बता रहे 3500 चालान काट दिया। अरे चालान कटा, चालान क्यों कटवाए? चाहे मेरे भी कटे दो। अरे लॉकडाउन को उल्लंघन क्या चालान कटे? मेरे दो चालान अभी चल रहे 4000 रुपए गाड़ी मेरी मोटरसाइकिल चालान क्या? अरे लॉकडाउन उल्लंघन क्यों किया? हमसे पूछा गया आप क्या करने जा रहे थे, हमने जवाब ही नहीं दे पाए, शराब पीने जा रहे थे, चालान नहीं कटे क्या होगा? वो तो कटना ही है। डीजल लेना हो खेत पे हाथ में चालान काट दे, मासूम लगा रुपया दे, और टिपिया टंगी हुई कोई चालान काटता है? अब तुम खाली झूठ बोल रहे, 10 रुपया जा रहे डीजल ले जा रहे यार, तो चालान कटेगा भी? दूध का टंकर टंगा होगा तो चालान नहीं कटेगा? अरे भाई टंकर कटो जा तो दिखा, दूध लेने जा रहे झूठ बोल रहे कि हम पीएन जा रहे दारू, और उसके बाद कह रहे हम डीजल लेने जा रहे बाबूजी, दवा लेने जा रहे, दवा काई दवाई लेने जा रहे, बता नहीं पा रहे काई दवाई लेने जा रहे। क्या नाम है आपका? रामवीर गंगवार। और साहब क्या माहौल है इस बार यूपी में? इस बार सपा चलेगी। सपा सपा भाजपा 101% सपा। अरे ये चक्कर कर रहे भाजपा चलेगी, आप बता पाओ? भाजपा 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 कहीं नहीं है, सपा ओनली अखिलेश। नहीं वारदा शिक्षा मित्र यार, ये बोलना भी चाहिए, सही है यार, अगर अगर आप सपा आ जाए भाई मेरे भाई का यार फायदा हो जाए। अच्छा आप शिक्षा मित्र हैं? हाँ मतलब परेशान है? परेशान तो है भाई, क्या करना था? और भी लोगों से हम बात करेंगे, जुड़ेंगे और पूछेंगे क्या है मुद्दे। क्या नाम है भैया? भानु प्रताप सिंह। भानु भैया युवाओं के लिए रोजगार की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार कितना खड़ी? बहुत पीछे है। महंगाई की बात करी जाए? महंगाई भी बहुत हो गई है। तो 2022 में क्या मूड लग रहा है? हमें तो सपा ही अच्छा लग रहा है, सपा आए तभी ठीक है। सपा
क्यों मतलब क्यों सपा, आखिर कारण क्या रहा? कई काम ऐसे सारे अच्छे किए। कौन से? एक दो काम? बहुत सारे काम अच्छे किए। जनता 112 नंबर 100 नंबर चलाया था, एम्बुलेंस की सुविधा करी थी, नौकरियां बहुत निकाली थी। नौकरियां लोग बता रहे थे एक जाति थी विशेष, उसको ही नौकरियां मिलती थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबको मिली। लोग कहते हैं सरकार में ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। नहीं, ईमानदारी से तो मिल ही रही है, लेकिन उनकी सरकार में ईमानदारी से मिली, आज भी मिल रही है। और भी लोगों से हम बात करने का, जुड़ने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? मोनिस। मोनिस, क्या लग रहा है इसका? अरे तुम बताओ, तो महंगाई बढ़ी ना? महंगाई सभी को मालूम है, खुद बेल के महंगाई बढ़ी है। रोजगार मिला? हम पढ़े लिखे नहीं है, मगर मिल किसी को नहीं रहा। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे उन्हें नहीं मिल रहा, परेशानी है। लाठी जली है बिहार में, जम के घूम मार लगी है। यही मिल रहा, मिलेगा, अच्छा मिलता रहेगा। क्या नाम है? जावाज नाम है भाई। जावाज, क्या लग रहा है इस बार? साइकिल। साइकिल, और कमल? कमल कमल नहीं भाई। क्या क्या नाम है? हाँ बताओ। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। टीवी तो अभी देखो, भाजपा ऊपर सपा नीचे। टीवी वाले वो तो यार मतलब आप दिखा रहे हैं, जो ये तो दिख रहा है, और मतलब जो चैनल वाले दिखा रहे हैं आज तक है, NBTV है, जो मतलब वाजपेयी को दिखाएंगे, और जो सोशल मीडिया वाले शायद कुछ हद तक सही दिखा रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। क्या मतलब हम देख रहे हैं वहां तक तो साइकिल दौड़ रही है। अच्छा, तो क्यों दौड़ रही है साइकिल, कारण क्या है? साइकिल शिक्षित लोग हैं भाई साहब, अगर इधर देख लो, दिखाओ। सबसे पहली बात तो यह है कि मतलब कोरोना आने से पहले तो कॉलेज बंद कर देते हैं। हाँ, ये कोरोना ना फैल गई तो कोरोना कॉलेज से ही पहले जो खुले पड़े जे हैं, जो खुल रहे हैं देसी 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 देसी, हाँ इनसे नहीं पहले ही। आज एक पैक अंदर बंदा सिकंदर, खत्म कोरोना। कैसे हाँ, कोरोना मतलब इससे ही चल रहा है, कॉलेज से ही कोरोना चल रहा है। जब हम पढ़े लिखे ही नहीं तो हम भाई आपका वही नहीं कर पाएंगे, समझ मतलब सरकार लोगों का अनपढ़ बना रही है। अरे और क्या है ये भाई। और दूसरा दूसरा मुद्दा, दूसरा बता दो है? दूसरा मुद्दा बता दो। एक काम अच्छा करा जरा सरकार ने, कौन सा? बस अयोध्या का मंदिर बना दिया, सही किया। बस और आपके अलावा भी हमें लग रहा है वो भी रोका जाएगा, वो भी इसलिए रोक दिया जाएगा क्योंकि आने वाले कल में हिंदू मुस्लिम भी तो करना है हमने, फिर इसलिए वो भी रोक दिया जाएगा। हमें तो लग रहा है यहीं तक अंदाजा हमारा भाई साहब यही पड़ रहा है। और कुछ बताएंगे हैं? और बताएं आप भाई। जो मंदिर अच्छा मैंने हम बताएं, जो मंदिर अच्छा मैंने ये मतलब जब मंदिर यहाँ भी है, जब पूजा पूजा वहाँ करने जाओगे वहाँ पूजा करोगे? जी जी सही कह रहे हैं आप, पूजा वहाँ भी करोगे, पूजा यहाँ भी करोगे, मंदिर यहाँ भी है, मंदिर वहाँ भी है। हाँ जन्मभूमि है, थोड़ी जन्मभूमि जो जन्मभूमि तो मंदिर तो सेम, राम तो हर जगह है, मतलब एक काम राम तो हर जगह। कुछ ना कुछ एक काम तो अच्छा करा है, अगर अगर पब्लिक को लग रहा है तो जो काम तो अच्छा करा है कि मंदिर बना दिया, लेकिन अन्यथा हमें तो कोई दिख नहीं रहा दूसरा। अरे पहले गल्ला दे दिया, देने इतना किया, गंगा गल्ला दे, किसके पैसों दे दिया भाई साहब, किसके पैसों दे दिया? सम्मान निधि दे दी किससे? सारे काम तो हम सी लोगों लिया था। अभी तुम चिप्स ले लो 5 रुपए, उस पर भी इनकम टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? अभी किसी से पूछोगे तो कहोगे हम टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं, कितना भी देते हो 1% देते हो लेकिन टैक्स दे रहे हैं भाई साहब, 100%। 400 कुछ रुपए में था सिलेंडर बड़े भाई, कितने में? 1000 रुपए, 900 कुछ रुपए में सिलेंडर है, तो जी किससे जा रहे हैं? अगर हमें 500 रुपए दे भी दिए उन्होंने तो क्या कर लिया हमें ये 1000 रुपए? अगर पढ़े ही लिखे तभी तो हम कुछ बने, जब पढ़े ही लिखे नहीं तो हम बगावत नहीं कर सकते भाई साहब किसी की भी। अच्छा एक बात तुमसे सवाल और था, क्या जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है 2022 में दिखाई देगी इसका फर्क? इस बार तो नहीं दिखाई देने वाली है फिलहाल, हमें नहीं लग रहा। आप बताओ हिंदू मुस्लिम की राजनीति दिखाई देगी? हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं सर, बात काम की होती है, जहाँ मतलब जहाँ जिसके दिल में छाएंगे जो काम कर रहे हैं वही उचित है। हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छा बोलो, मैं अपने ही कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ, मैं सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। सरकार के खिलाफ बोलना ही नहीं, पक्ष में बोलो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी के पक्ष में कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा अच्छा, नहीं सर इसी बात नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। चाचा आपके मूंछों को नमस्कार, सलाम। सलाम, क्या नाम है आपका? नाम कहा है? नाम गेंदन लाल। रामचंद्र लाल? गेंदन लाल। गेंदन लाल, गेंदन लाल, उत्तर प्रदेश सरकार में महंगाई बढ़ी या पप्पा ना बढ़ी? हर चीज बढ़ी है, हर चीज बढ़ी। इस बार खुश हो? बिल्कुल। भाजपा खुश हो? हाँ। क्यों खुश हो? उसके कार्य नाम आप कौन 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 काम पर खुश हो? देखो पहली बात
मंदिर बनवा दो। हाँ। दूसरी बात 370 हटा दे। सही बात। हाँ। ये बात। तीसरी चौथी तीसरी बात मुसलमान झुका दे। अच्छा तीसरी बात मानोगे? जमाना बहुत था की मुसलमान सड़क घेर की निवाज पड़ा से आज जमाना बहुत है की मस्जिद सही बात है। और इसके अलावा और इसके बाद महंगाई जो है जब कर्म को नहीं करोगे तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा कर्म मतलब जो कर्म नहीं कर रहे उनके लिए महंगाई बढ़ी। कर्म को नहीं करोगे तो महंगाई बढ़ेगी। आप काश्तकार गन्ना पर और गेहूँ धान बतरो धारा कोई पैदा ना कर दाल में कोई पैसा नहीं करता है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी होगा कंतु जमीन है क्यों नहीं है आपके क्षेत्र में हम नहीं कह सकते यही जमीन है जो जमीन है पहले ही देगी जमीन है आज पहले दाल पैदा पहले हम सस्ता पैदा कर ले दाल पैदा कर ले मुझे बताइए आप कहते हैं आप कितना गल्ला पैदा कर रहे हैं जमीन है गल्ला पैदा कर रहे हो नाच पैदा करो क्या कर रहे हो गन्ना पैदा कर रहे हो दाल पैदा कर कितना कर रहे हो 25 बीघा क्या है 25 बीघे लड़ो मत आ रहा हूँ 25 बीघे जमीन तो है उसमें नाच कितना है नाच कितना तो अब तुम कह रहे गन्ना कर नहीं रहे फलाने कर नहीं रहे दाल दाल दे दाल पूछ रहे दाल दाल कितनी उसमें कितनी सब्जी कितनी कई बीघे में सब्जी 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 वाले सब्जी करेंगे जब पैदा जब जब पैदा करो सही जो है छोड़े मतलब छोड़े नहीं हमारे हिंदू छोड़े क्यों छोड़े क्यों ना खबा उसने अभी जब परसों में ही देख लो तुम जब हमारे खेत में जब पैदा कुछ होगा भाई जब कुछ पैदा होगा तभी तो हम कुछ बेच सकते हैं मतलब हालांकि कितने भी महंगाई हो जाए अरे सार छोड़ा था तुम्हारी लोग सार तो यार सार हमने क्यों छोड़े मतलब एक चीज तुम सोच लो क्या कह रहे देखो सब हिंदू ने सार दे सार हमने क्यों छोड़ दी या सब हिंदू ने क्यों छोड़ दिया कुछ ऐसा कर दो ना जिससे साढ़ एक जगह बंद रहा साली गाय एक तरफ कर दो साढ़ एक तरफ करते हो अगर लग रहा है कि साढ़ मार देंगे गाय को तो उन्हें अलग अलग कर दो ना। चलो चलो अब आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्या है सरकार में इंसान तो गरीब थी बस इंसान पिसा है गरीब तो गरीब था ही था बड़ा आदमी और बड़ा आदमी 20 का इंसान मर गया। अच्छा बताइए मीडियम हर कोई मीडियम में है गरीब कितने परसेंट है गरीब को तो खान को मिल लिया है बस तो सोच रहा मुझे खान को मिल लिया है बड़ा आदमी जो है बड़ा आदमी तो उसके पास और आ रहा धन 20 का आदमी क्या करे महंगाई तेल कहाँ है तेल कहाँ खाद कहाँ है महंगाई तो ही है यार। तो फिर गल्ला गल्ला हमारे आज लेने सम्मान नहीं वो ले लिया जमीन को तेरे कोई पैसे तेरे अरे पिला जमीन पर मिल लो बतावे कोई नाम अभिषेक पाठक अभिषेक पाठक क्या उत्तर प्रदेश सरकार में महंगाई बढ़ी? नहीं कुछ नहीं बढ़ी कहीं आप बताओ इतना महंगाई बढ़ी? अरे महंगाई बढ़ी ना रुका यार राजपूत भाई बताओ बताओ कोई महंगाई नहीं बढ़ी है अब पूरा पेट्रोल डलाते है ना जो 100 रुपए का गाड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर चलती है बंद बताओ और महंगाई क्या है ना देखिए ऐसा है ना जो भी आप कह रहे हो कि 10 किलोमीटर चली 1 किलोमीटर चली इससे मतलब नहीं आज की सब्सिडी दी वो खत्म कर दी देखो जो तुम्हारी बात में जवाब देने तक आप बताओ भैया देखो जो सब्सिडी दे रही थी ना सरकार वो भी खत्म कर दी ठीक है, है। 1000 रुपए को उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिला फ्री मिला 1000 रुपए लेने के बाद उसकी सब्सिडी दे रहे थे पहले अकाउंट में वो भी समाप्त कर दी। अब आप बताओ सरकार आप क्या चाहते हो जो बताओ आम जनता अब आप बताओ जब महंगाई बढ़ी ना बढ़ी जब महंगाई नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ी है महंगाई बढ़ी है वैसे ही आमदनी बढ़ी है 900 रुपए मिल रहा है हाँ कितनी महंगाई बढ़ी बताओ 450 और 980 में अंतर है नहीं है। समाजवादी पार्टी में आप लेखपाल थे कौन आप? मैं तो कोई आम नागरिक हूँ यार आम नागरिक जे लेखपाल थे जे कौन थे ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अरे नहीं यार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में पूर्ण बहुमत से आ रही है इस बार
क्यों आ रही है? उसका रीजन है, बताइए 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 बताइए, क्यों आ रही है, कारण बताओ आप, कारण बताओ, कारण कारण हमारे जवाब पे एकदम पूर्ण बहुमत से सरकार है और कोई दिक्कत नहीं है। स्टेडियम बीसलपुर में, बीसलपुर के मुद्दे बताओ सब पूरे। बीसलपुर के अंदर बहुत शांति सुकून है, जो लोग हरकत कर रहे थे दलाली की, थाने के अंदर जो बदतमीजी थी, आज आप जाओ अपनी FIR दर्ज कराओ निसंकोच, ठीक है ना, आप आराम से जाओ, आराम से कराओ, ठीक। पहले क्या था, समाजवादी पार्टी के अंदर इतना गुंडागर्दी अंदर समाजवादी पार्टी में थी जो थाने के अंदर थी, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आज की हालत में आप जाओ SO को बोलो FIR दर्ज कराओ अपनी, लीगल, अनलीगल की बात नहीं है, लीगल की बात हम लोग करें तो, ठीक। पहले नहीं थी, आज है, इसलिए हम लोग सुकून में, हमें अपना धंधा जो चलाना है वही चलाएंगे, कोई सरकार हो, हम लोग लीगल खाएंगे, अनलीगल नहीं खा रहे। जो लीगल खाने वाले हैं बोले आराम से, अनलीगल वाले तो आज वैसे भी जेल के पीछे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे पाठक जी बहुत ब्राह्मण मरवाए थे सरकार। नहीं 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 नहीं, ऐसा आपकी भूल है, ब्राह्मण वही मरे होंगे जो हराम की खा रहे होंगे, लीगल खा रहे हैं, ब्राह्मण कोई नहीं मरा, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, लीगल खा रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी चॉइन से 20-25 हजार तनखा लेना है, क्या दिक्कत है हमें? लोग कह रहे ब्राह्मण विरोधी सरकार है, लोग कह रहे ब्राह्मण विरोधी। नहीं नहीं नहीं, भारतीय वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, वोट दूंगा तो बीजेपी को दूंगा, किसी अदर पार्टी को नहीं दूंगा। रियल पक्का है मेरा, डन है एकदम। तो यहाँ पर हमने तमाम मुद्दों पर सीधे तौर पर जनता का मन टटोलने का प्रयास किया, जनता से बात की, कई मुद्दों पर बात की, इन चर्चा से और बात करेंगे, क्योंकि जे बहुत देर से बोलने। हाँ भाई, क्या नाम है? आकाश जी। आकाश, आकाश भैया, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो किन मुद्दों पर विकास हुआ है? विकास फिलहाल जो मोदी ने किया है वो कोई सरकार नहीं करता। अच्छा, इसलिए वोट BJP को ही देंगे हम। हाँ अच्छा अच्छा, हमारे हिसाब से सब सही किया उन्होंने। अच्छा, महंगाई तो नहीं बढ़ी? कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई होती तो लोग इतना इतना खर्च करते हैं, कहाँ से खर्च कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है क्या 2022 में दिखाई देगी? आप हिंदू मुस्लिम बात हम नहीं कर सकते। नहीं मतलब इस पे कोई असर पड़ेगा इसका, मतलब लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट डालेंगे? डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। अच्छा, इसके अगर हटके बात की जाए कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था सपा में अच्छी थी, बसपा में या भाजपा में सबसे बढ़िया? सही है, कोई खास दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी तीनों में कौन किस में थी? नहीं, इसमें है, भाजपा में, भाजपा में सबसे अच्छी, मतलब गुंडाराज खत्म। खत्म, कोई दिक्कत। और आवारा पशु जो आजकल किसानों के लिए समस्या बने हुए, उनके लिए क्या कहेंगे? बस करी तो हमारी सुनने, करी तो हमारी सुनने। अच्छा, मार उखाई लो, छोड़ गई तब, छोड़ गई तो अब खाएंगे किसको? खाएंगे तो मेरे ही ऊपर, कोई कमी नहीं है, कमी हमारी तुम्हारी। ऊपर वाले थोड़ी छोड़ रहे हैं, ऊपर वाले थोड़ी छोड़ रहे हैं, तो हम ही सब रहे हैं, अपने घर में पालो, क्यों छोड़ रहे हो? जब छोड़ोगे तो दिक्कत तो होगी। क्या नाम है? हार्दिक भाई, आ रहे आओ, अपना नाम बताओ। हमारा शिव कुमार नाम है। कुमार भैया, क्या लग रहा है इस बार 2022 में? BJP है। BJP है, थोड़ा दम के बोलो। हाँ BJP है। अच्छा, BJP है, आप बताओ। हाँ BJP है। BJP है, तो लोग कह रहे लो महंगाई बढ़ाई थी BJP ने, केतन में BJP है। इस वक्त हम मौजूद थे बीसलपुर के 12 पत्थर चौराहे पर, यहाँ पर हमने तमाम मुद्दों पर जनता को टटोलने का प्रयास किया, किसी ने आवारा पशुओं को समस्या बताया तो किसी ने कहा आवारा पशुओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, किसी ने महंगाई को मुद्दा बनाया तो किसी ने सीधे तौर पर कहा कि इनकम के साथ महंगाई बढ़ी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2022 में किसकी सरकार बनती है और जनता किसकी सरकार बनाती है, लेकिन इससे पूर्व जनता का क्या मन है, हमने सीधे तौर पर उनके नब्ज को टटोला और आपको दिखाया। कैमरा सहयोगी शरद दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा।